नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हकीम इरफान बात कर रहा हूँ। तमाम दोस्तों को आज ऐसा आसान और बहुत सस्ता नुस्खा पेश करूँगा कि हर दोस्त इसको इस्तेमाल कर सकेगा। ये गरीब के लिए तो बहुत ही कीमती है और बहुत आला नुस्खा है। इसको एक बार आज़माएं इंशाअल्लाह, इसी सर्दी में इससे फ़ायदा हासिल करें और आप बहुत खुश होंगे। ये नुस्खा कुव्वत मर्दाना पर बहुत काम करता है और बहुत सस्ता भी है, और इसके अंदर आसान और बहुत कीमती चीज़ें मौजूद हैं जिनका मुरक्कब मैंने अपने तजर्बात में तैयार किया और कुछ दोस्तों को दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैंने ये सोचा ये आप दोस्तों को भी शेयर करूँ। सबसे पहले तो आपने बादाम लेने हैं, वो 100 ग्राम हों, और इसके अलावा ताल मखाना 100 ग्राम हो, इमली के बीज वो भी 100 ग्राम हो, और लाल जवंती 100 ग्राम, इसके अलावा काले चने 100 ग्राम हो। ये सारी चीज़ें आपने लेकर कूटना है, हमाम दस्ते के अंदर कूटें, चक्की से पिसवा कर ना लाएं। जब हमाम दस्ते में कूटेंगे तो इसकी तासीर बाकी रहेगी। कूट कर इसका पाउडर बनाएं और इसमें आप हस्पे जैका, मिस्री या शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। आप सुबह शाम अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा जिस्मानी तौर पे। और ये अक्सर दोस्त जिनको सर्दियों में बार बार पेशाब आता है उनको भी ये काफ़ी फ़ायदा देता है। आप दोस्त इसको इस्तेमाल करें। अगर कोई दोस्त दूध नहीं इस्तेमाल करता तो वो फिर गर्म पानी करके, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे टाइमिंग में भी इजाफ़ा होता है और मादा मनविया भी गाढ़ा होता है। ये आसान नुस्खा भी है और बहुत सस्ता है, मेरे गरीब भाइयों के लिए बहुत कीमती और आला दवा है। आप तमाम दोस्त इसको इस्तेमाल भी करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी करें, अपने दोस्तों को भी कहें ताकि उनको भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल हो और आप भी फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह।